टेक्स्ट एडिटर या एडिटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके वजह से हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट भी कर सकता है और उसे एडिट भी कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि सोर्स कोड का मतलब क्या होता है। जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उस प्रोग्राम को जनरली सोर्स कोड कहा जाता है। अब अगर प्रोग्रामिंग की बात करी जाए तो एडिटर के मदद से हम हमारे सोर्स कोड को लिख भी सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं। और एक ऐसा एडिटर जिसके अंदर हम ये सारी की सारी चीजें कर सकते हैं, ऐसे एडिटर को एक सोर्स कोड एडिटर कहा जाता है। और हम ये सारी चीजें उस सोर्स कोड एडिटर के अंदर क्यों कर सकते हैं या क्यों कर पाते हैं, ऐसा हम इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उस सोर्स कोड एडिटर के अंदर ऐसे कुछ फीचर्स होते हैं जिनके मदद से हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। और ये सोर्स कोड एडिटर कौन से हैं, इनके एग्जांपल हम आगे आने वाले समय में पढ़ने वाले इसी वीडियो के अंदर। अगर हमने कॉमन या नॉर्मल एडिटर्स की बात करी तो नोटपैड, वर्डपैड, ये सारे के सारे कॉमन या नॉर्मल एडिटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो एक एडिटर है उसके अंदर कौन से फीचर्स होते हैं या वो हमें कौन से फीचर्स प्रोवाइड करता है। वैसे तो एक एडिटर बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, बट उनमें से 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहला फीचर इज डिलीटिंग। इसका मतलब यह है कि एक एडिटर के अंदर अगर सपोज हमने कुछ लिखा है या कुछ टाइप किया है तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं और उसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, या अगर सपोज उसके हम कोई फाइल बनाते हैं तो उस फाइल को भी हम डिलीट कर सकते हैं। सेकेंड फीचर इज पेस्टिंग। अगर सपोज कहीं और कोई टेक्स्ट लिखा है तो उस टेक्स्ट को हम उधर से कॉपी कर सकते हैं और फिर उस कॉपी किए गए टेक्स्ट को हम हमारे एडिटर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। ये फीचर एडिटर प्रोवाइड करता है। और अगर सपोज हमारे एडिटर के अंदर कोई चीज़ हमने लिखी है या कोई चीज़ हमने टाइप किया है तो वहाँ से हम उस चीज़ को कॉपी कर सकते हैं और कहीं और पेस्ट भी कर सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं। एडिटर हमें ये भी फीचर प्रोवाइड करता है। थर्ड फीचर इज फाइंडिंग। अगर सपोज लेट्स से हमारे एडिटर के अंदर हमने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के रखा है और उस पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर हमें एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है तो इस फीचर के मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। ऊपर एक फाइंड का ऑप्शन होता है, अगर उस ऑप्शन में हम उस वर्ड को लिखेंगे तो वो एडिटर हमें उस वर्ड को फाइंड आउट करके देगा, वो हमें बताएगा कि ये वर्ड उस पैराग्राफ के अंदर कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। पहले वाले फीचर में क्या होता था, हम बस एक वर्ड को पैराग्राफ के अंदर फाइंड आउट कर सकते थे या बेसिकली जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट कर सकते थे, बट यहाँ पे या इस फीचर के अंदर हम उस वर्ड को फाइंड भी कर सकते हैं और उस वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट फीचर इज सेविंग। अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हो तो वो चीज़ आप सेव भी कर सकते हो एक फाइल के रूप में। अब ये जो एडिटर है या ये जो टेक्स्ट एडिटर है, ये अलग अलग प्रकार के एडिटर्स होते हैं या अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं या बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हम 3 सबसे ज़्यादा मेन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स के टेक्स्ट एडिटर्स पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला एडिटर है लाइन एडिटर। जैसे कि इस एडिटर का नाम ही तुम्हें बताता है कि ये एडिटर एक समय पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही एडिट कर सकता है। और इस एडिटर के 3 एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास। सबसे पहला एग्जाम्पल इज टेलीप्रिंटर, सेकेंड इज एडलीन एंड थर्ड इज टेको। सेकेंड एडिटर इज स्क्रीन एडिटर। ये एडिटर बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और इस एडिटर के अंदर एक यूज़र कर्सर देख सकता है या बेसिकली माउस का जो पॉइंटर होता है वो देख सकता है। और इस एडिटर के अंदर तुम अलग अलग चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। और इस एडिटर का एग्जांपल है हमारा नोटपैड, राइट, ये वो एडिटर है। थर्ड एडिटर इज स्ट्रक्चर एडिटर। ये एडिटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस करता है और इस एडिटर के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं या ये एडिटर कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनके मदद से हम इस एडिटर के अंदर सोर्स कोड को लिख भी सकते हैं और उस सोर्स कोड को एडिट भी कर सकते हैं। और इस एडिटर के मेरे पास आपके लिए 2 एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज नेटबीन्स IDE एंड द सेकेंड एग्जांपल इज GEdit। और अब मैं आपसे सच सच कमेंट सेक्शन में सुनना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।